हेलो एवरीवन बच्चे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ये पार्ट सेवन है इसमें हमने टाइप्स ऑफ कैंसर पढ़ने पहले हमने क्या पढ़ा था स्लाइड में पढ़ा था बेनाइन ट्यूमर्स मेलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होता है ये सारी चीज़ें हमने पार्ट नंबर सिक्स में क्लियर की थी और अभी हम लोग पार्ट नंबर सेवन में टाइप्स ऑफ कैंसर देखते हैं तो टाइप्स ऑफ कैंसर क्या होता है बच्चे थ्री uh, टाइप्स का होता है कार्सिनोमास सार्कोमास और लिम्फोमास ठीक है इसको लिक्यूमिया भी हम लोग बोल सकते हैं थ्री टाइप्स का होता है कहने का मतलब है कि जो एट्टी फाइव परसेंट कैंसर्स होते हैं वो किससे होते हैं कार्सिनोमास कैंसर्स हैं और रेस्ट जो दो हैं तो वो हमारे फिफ्टीन परसेंट में फॉल करते हैं कहने का मतलब है कि कैंसर्स इन एक्टोडर्मल है ना एक्टोडर्मल एपीथिलियल टिश्यू में जो होगा वो कार्सिनोमास कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिए जैसे टोबैको तो खाते हैं लोग माउथ कैंसर होता है तो वो एपीथिलियल कैंसर हुआ ना जैसे ब्रेस्ट कैंसर है वो भी एपीथीलियल कैंसर है कोलॉन कैंसर है जैसे गट या कोलॉन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अगर कैंसर होता है वो भी एपीथीलियल कैंसर है स्किन कैंसर है एपीथिलियल कैंसर मतलब जो आउटर लेयर पे अनकंट्रोल्ड एपीथीलियल टिश्यू में जो सेल डिविजन शो होती है विच इज़ आ एकोडोडर ओरिजन दैट इज नोन एज कार्सिनोमास तो मोस्टली यही कैंसर्स देखने को मिलते हैं कार्सिनोमास कैंसर ठीक है फिर उसके बाद जैसे सार्कोमास है तो सार्कोमास जो है कैंसर इन मीजोडर्मल टिश्यू तो किन टिश्यूज में मीजोडर्मल टिश्यू में आपको कैंसर देखने को मिलेगा जैसे मीजोडर्मल ऑरिजन्स जो होगा बोन कैंसर, हो कैंसर हो सकता है लिगामेंट कैंसर हो सकता है मीजोडर्मल ओरिजन्स जो भी हैं तो वो सार्कोमास कैंसर कहलाएंगे अच्छा लिम्फोमा आर लिक्यूमिया ब्लड कैंसर मतलब कैंसर काज इन बॉडी फ्लूड्स बॉडी फ्लूड में जो कैंसर है तो वो लिक्यूमिया कहलाएगा वो ब्लड कैंसर भी हो सकता है ठीक है और मीज़ोडर्मल ओरिजन्स होता है ब्लड का तो ये चीज़ आपने देखनी थी टाइप्स ऑफ कैंसर तो बस इतना जितना मैंने आपको थोड़ा ओरली भी बताया तो आप लोग उसको राइट डाउन कर सकते हो नेक्स्ट जैसे है हमारे पास नेक्स्ट है काजेज़ ऑफ़ कैंसर कैंसर के क्या क्या काजेज़ होते हैं बच्चे ये थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को याद रखने हैं फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल सेल्स को ये कैसे कन्वर्ट कर देते हैं कैंसर सेल्स में दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोज ये आप लोगों को दिख रहे हैं आर आर ऑल ऑल फिजिकल फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल देखिए जैसे आप देखें आयनाइजिंग रेडिएशंस आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या है एक्सरे गामा रेज काफी हार्मुल्स होती हैं आप लोग देख भी सकते हो जहां पर एक्सरे वगैरह किया जाता है तो बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है ना तो वो काफ़ी हार्मफुल रेज होती हैं नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन यू वी काज डी एन ए डेमेज बात समझ में आ रही है फिर उसके बाद केमिकल कार्सिनोजेंस आ गए जैसे टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाई एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर ठीक है तो जो लंग कैंसर है वो क्या है केमिकल कार्सिनोजेंस फिर उसके बाद बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं है ना बायोलॉजिकल एजेंट्स कैंसर काजिंग वायरस काल्ड ओंकोजीन वायरस लाइक हेपेटाइटिस पी वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस ठीक है एक्सेट्रा दीज आर बायोलॉजिकल एजेंट्स जो वायरस से होते हैं जो केमिकल से होते हैं लंग कैंसर ठीक है और जो रेडिएशन से होते हैं दैट इज़ आयोनाइजेशन रेडिएशंस दैट इज़ अ फिजिकल कार्सिनोजेंस ठीक है बच्चे ये क्लियर हो गए काजेज़ क्या होते हैं कुछ रेडिएशन्स होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ वायरसेस होते हैं जो कैंसर काज करते हैं अब देखिए जैसे हमारे पास नेक्स्ट आता है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा क्वेश्चंस भी बन जाता है यहाँ पे अच्छा हम लोगों को अगर कैंसर्स को डिटेक्ट करना हो या डायग्नोस करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करेंगे बायोप्सी का मतलब बॉन मेरो टेस्ट होता है ठीक है तो उस फ्लूड्स को हम मतलब कंप्लीट हमें शाउट हो कि श्योर शॉर्ट हैं अगर हम लोग की इसको कैंसर है तो तभी बायोप्सी को ऑप्ट किया जाता है अदरवाइज़ बायोप्सी नहीं की जाती है नहीं तो पूरे बॉडी फ्लूड्स में आ, फैलने के ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं कैंसर के रेडियोग्राफी दैट इज़ अ यूज़ ऑफ एक्सरे रेडियोग्राफी क्या है हम एक्स रे यूज़ करते हैं ठीक है फिर उसके बाद एक्सरे से भी हम पता कर सकते हैं कैंसर का सी टी है ना कंप्यूटर टोपोग्राफी होती है एक्स रे ही होता है तो इन सभी का जो एम आर आई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होती है इनकी थ्री डी इमेज बनती है बच्चे बट इसमें क्या होता है कि कैंसर डिटेक्ट के लिए एम आर आई जो होती है बड़ी सेफेस्ट टेक्निक्स होती है बाकी जो है इसमें हार्मफुल रेडिएशन आती हैं जिनसे कैंसर हो सकता है डिटेक्शन करना तो दूर की बात है ठीक है ना फिर उसके बाद एंटीबॉडीज अगेनेस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंट आर आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन फॉर सर्टन कैंसर ठीक है तो बहुत सारे स्पेसिफिक एंटीजेंस यूज भी किए जाते हैं कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए टेक्निक्स ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स विद इनहर्टिड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर्स तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि जो इन्हर्टिड जीन्स होते हैं मतलब कैंसरस जीन्स होते हैं है ना जैसे पेरेंट्स में तो ऑफ में भी आ जाए तो इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग मॉलिकुलर बायोलॉजी की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स के जीन्स हैं वो इनहर्ट ना हो आगे न्यू स्पीशीज में ताकि कैंसर वहाँ से यहाँ ना ट्रांसफ़र हो तो इस पर अभी रिसर्च चल रही है बट ये सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कैंसर डिटेक्शन के लिए ठीक है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स आप लोग देख सकते हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स होता है द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स आर सर्जरी सबसे पहले अगर हमारे पास बेनाइन बेनाइन फॉर्म में अगर ट्यूमर एक ही जगह है तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे तो सर्जरी बट जब फिर पूरी बॉडी में सेप्रेड हो जाता है तो उसकी कोई सर्जरी नहीं की जाती है फिर उसको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो रेडिएशन थेरेपी का मतलब होता है एक्स मतलब गामा रेज गामा रेज बेटा बड़ी हार्मफुल रेज होती हैं ठीक है ना गामा रेज तो ऐसे देनी नहीं चाहिए बट काफ़ी लीथल रेडिएशंस होती हैं बट क्या कर सकते हैं देनी तो पड़ेंगी ठीक है ना ये ब्रेक कर देती हैं कंप्लीट जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना सेल्स के उनको ब्रेक करती हैं मतलब स्पिंडल फाइबर्स को ब्रेक करेंगी गामा रेज तो आप याद करो जब मैं आपको कह रहा था कि एक सिकवेंस था है ना टिलोमेरिक सिक्वेंस था जो कंप्लीटली हर सेल स्टेज में बनता जा रहा है जैसे नॉर्मल में फिफ्टी स्टेज पे डिसपेयर हो जाता है बट कैंसर सेल्स की केस में स्पिंडल फाइबर वाला जो सीक्वेंस होता है टिलोमेरेस वाला वो कंटिन्यूसली रहता है बट गामा रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के जो टिलोमेरेस सीक्वेंस को उसको ब्रेक करती हैं ठीक है तो फिर उन सेल्स की डेथ होती है बट होता है क्या है नॉर्मली बाकी वाले जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं एनीमिक पेशेंट्स हो जाते हैं जिनको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है करवानी तो नहीं चाहिए बट क्या कर सकते हैं फिर करवानी तो पड़ेगी ठीक है जितना उनको मार रहे हैं हम लोग कैंसर सेल्स को उससे ज़्यादा लॉस तो बाकी बॉडी में आ जाता है ठीक है तो फिर कीमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास वेनक्रिस्टाइंस एंड वेनब्लास्टाइंस दो ड्रग्स होती हैं जो कैंसर्स uh, को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं विच इज़ अ कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी दैट इज़ अ अल्फ़ा इंटरफेरॉन बच्चे याद करो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स ही हम लोग अल्फा इंटरफेरॉन्स जो होता है वो हमारी इम्यूनोथेरेपी की तरह काम करता है ठीक है जैसे बी लिफोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स को अगर हमने ग्रो करना है तो इम्यूनोथेरेपी उसी को कहा जाता है नेचुरली इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए इंटरफेरानस की हेल्प से हम लोग इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं बात समझ में आ रही है आप लोगों को देखो एक और चीज़ है यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे जैसे बट जो कैंसर का टॉपिक था वो हमारा खत्म हो गया ठीक है कैंसर का टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं हेल्थ एंड हैजर्ड्स हेल्थ का बेसिक टॉपिक हम लोग देखेंगे जैसे कैंसर का था तो वो सारा हमने कंप्लीट कर दिया तो आप उसको थोड़ा अच्छे से देखें कौन से ट्यूमर कैसे ट्रीट किया जाता है काजेस क्या सिम्टम्स क्या हैं ठीक है अब हेल्थ क्या होता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल बींग ठीक है तो कहने का मतलब है कि हम फिजिकली नहीं कह सकते हैं है ना अगर कोई फिजिकली स्ट्रांग हो तो हेल्दी है नहीं वो मेंटली भी साउंड होना चाहिए और सोशली भी वेल well बींग होना चाहिए कहने का मतलब है कि उसका सोसाइटी के प्रति भी एक अच्छा इन्फ्लुएंस रहना चाहिए मेंटली भी साउंड होना चाहिए और फिज़िकली भी फ़िट होना चाहिए वो एक हेल्दी इंसान कहलाता है ठीक है डिजीज़ क्या है एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट काज डिसकम्फर्ट एंड एफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम करैक्टराइज बाय द सम साइन एंड सिम्टम कहने का मतलब है कि हमारी जो एक नॉर्मल लाइफ होती है उसमें अगर कहीं से भी डिसकम्फर्ट आपको दिखाई देता है है ना तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं कोई साइन और सिम्टम्स हमारी बॉडी पे आना शुरू हो जाएंगे मतलब कोई भी हमारी कंफर्ट लाइफ में कंफर्ट जोन में अगर डिफ डिसकम्फ़र्ट आना शुरू हो जाता है तो हमारे ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करते हैं और साइन और सिम्टम्स हमारी बॉडी पर पे पेयर आना शुरू हो जाते हैं उसको हम लोग डिजीज़ बोलते हैं राइट देखो जैसे टाइप्स ऑफ डिजीज़ है कॉन्जेंटल डिजीज़ है और एकवाय डिजीज़ है सिंपल आप लोग बोल सकते हो जो कंजेंटल डिजीज़ होती है ना वो जेनेटली डिसऑर्डर होता है मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हो मतलब जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होती है ठीक है बट एक्वायर्ड डिजीज़ हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हम कहीं से ले आते हैं जैसे हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है वो एक्वायर्ड डिजीज़ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो एक्वायर्ड डिजीज़ है है ना कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है जो स्प्रेड होती है पर्सन टू पर्सन है ना जैसे ट्यूब्रोकलॉसिस होती है वो सेपरेट होती है स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो स्प्रेड होगी थ्रू बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ फंगस हेलमेंथस ये हमारे क्या हैं पैथोजेनिक एजेंट्स हैं जो हमारी इन्फेक्शस डिजीज को स्प्रेड करेंगे एक डिजीज पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक ठीक है तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर हो गया एलर्जी हो गई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गए है ना जैसे निमिक डिसऑर्डर है तो वो कभी भी कम्युनिकेबल नहीं होगा ड्रग्स एंड एल्कोहलिक एब्यूज़ जो है वो कभी भी कम्युनिकेबल्स नहीं है बात समझ में आ रही है बट बच्चे एक एड्स वाला क्वेश्चन टू थाउजेंड सिक्सटीन की सेवनटीन के पेपर में मैंने देखा था कि एड्स जो है ये कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है तो आप लोग टी वी शी वी में एड वग़ैरह देखते हो कि हैंड शेक करने से साथ में खाना खाने से एड्स ट्रांसफ़र नहीं होता है बट थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग फ्लूड वगैरह है ना बॉडी फ्लू ट्रांसप्लांट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं तो ये ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो एड्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज में ही आती है इन्फेक्शियस डिजीज है और कम्युनिकेबल डिजीज है एड्स ठीक है तो अब इसको आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि एड्स नॉन कम्युनिकेबल नहीं है ये भी कम्युनिकेबल डिजीज में ही है अब देखते हैं कि जो हमारे पास डिजीज काजिंग एजेंट्स हैं है ना जैसे बैक्टीरिया है डिजीज काजिंग एजेंट्स हैं ना तो पैथोजेंस कौन कौन से कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज काज करते हैं मान के चलते हैं हम लोग ये चीज़ें ना आपको थोड़ी सी याद भी रखनी है देखो जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ टाइफाइड है बैक्टीरियल डिजीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका डिजीज़ काजिंग एजेंट मतलब पैथोजेंस कौन है सेलमोनीला टाइफाई कौन है सेलमोनीला टाइफाई इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है बट इतना याद रखना है कि ये कंटेमनेटेड फूड से होती है और वाटर से गंदा खाना गंदा पानी बाहर का खाना जंक फूड इसी से होगी ठीक है और फीवर रहेगा थर्टी नाइन टू फिफ्टी मतलब हंड्रेड डिग्री फेरनहाइट तक जा सकता है और वीक ज़्यादा होगा इंसान वीकनेस ज़्यादा होगी कंस्टिपेशन ज़्यादा रहेगी स्टॉमक पेन हैड लॉस एंड एपिटाइट्स लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट भूख कम लगेगी ये इसके सिम्टम्स हैं कुछ है ना तो आपको याद क्या रखना है इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है डेथ भी हो सकती है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से डेथ भी हो सकती है और इसके लिए कंफर्म करने के लिए कि बॉडी के अंदर सेलमूनॉली सेलमोनीला टाइफाइड काजिंग जो पैथोजन है वो है कि नहीं है हम लोग विडाल टेस्ट कंडक्ट करते हैं इसके लिए टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है विडाल टेस्ट अच्छा एक लेडी थी दैट इज़ अ मैरी मैलॉन कौन मैरी मेलोन एक लेडी थी ठीक है इसका निक नेम था टाइफाइड मैरी क्योंकि इसने क्या किया था एक रेस्टोरेंट में कंटेमिनेटेड फूड कई सालों से इसने प्रोवाइड किया था कंटेमनेटेड फ़ूड और वाटर ठीक है तो इसको तभी बोला जाता है कैरियर ऑफ़ टाइफाइड्स तो फिर फाइनली इसको एक आइलैंड्स पे रखा गया था है ना वहीं पे वो रहती थी जहाँ से इसने मतलब कई सालों तक डिजीज़ को ट्रांसफ़र किया था है ना टाइफाइड वाली डिजीज़ को स्प्रेड करवाया था क्योंकि ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर अपने रेस्टोरेंट से सर्व करती थी तो इसका निक नेम क्या था हमारी एनसीआर में प्रॉपरली मैंशन है टाइफाइड मैरी बोला जाता है इसको तो कहने का मतलब इसमें आपको याद रखना है एक डिजीज काजिंग पैथोजन और बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है जो सेलमिनला टाइफाई से काज होती है दैट इज टाइफाइड ठीक है टेस्ट कंडक्ट वेडाल टेस्ट ठीक है अब देखिए बैक्टीरियल डिजीज नमूनिया और डिजीज काजिंग एजेंट कौन सा है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी बोल सकते हैं ये कैसे होती है ड्रॉपलेट और एरोसोल इन्फेक्शंस है ना एक दूसरे में कम्युनिकेबल हो सकती है इन्फेक्टेड एल्वेलाई ऑफ लंग्स एल्वेलाई गेट फील्ड विथ फ्लूड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्परेशन ठीक है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है फीवर विथ चिल्स कफ एंड एक इन सीवियर केस लिप्स एंड लेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूश इन कलर ये नमूनिया नमूनिया क्या है बैक्टीरियल डिजीज़ है पैथोजेनिक एजेंट्स याद रखना है इसका स्टेप्टोकोकस नमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नेक्स्ट है हमारे पास डिपथीरिया डीपीटी जिसको बोलते हैं ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है ठीक है कॉर्नी बैक्टीरियम डिपथीरिया डिजीज़ काजिंग एजेंट है इसमें होता है क्या हाई ग्रेड फीवर होता है थ्रॉट इफेक्ट होता है ठीक अच्छा, है सफोकेशन रहेगी इसमें काजेज अच्छा प्लेग्यू एक चाइना की डिजीज़ है ठीक है ना प्लेग्यू ब्लैक डेथ प्लेग्यू को हम लोग ब्लैक डेथ कहते हैं इसमें क्या होता है पेस्टस पैरासाइट ऑफ रेड एंड फ्ली जिनोफाइलिया च्यूपिस ये नाम याद रखना है इसका काजिंग एजेंट्स मतलब रेट्स में ये डिजीज आती थी ठीक है और होता क्या है हाई फीवर हाइडेक इन लार्जमेंट ऑफ एक्जलरी लिम्फ नोड्स ठीक है जो हमारे आर्म पैट्स में क्या होता है कि जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है फिर बाजू नीचे नहीं की जाती थी रेड पैचेज अपेयर ऑन स्किन और विच टर्न ब्लैक डेथ ठीक है तो क्या हो गया वो मतलब उसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं तो ये प्लैगिव क्या नाम है डिजीज़ का प्लेग्यू बैक्टीरियल डिजीज़ है और बेसिकली ये रेड से काज हुई है तो इस पैरासाइट ऑफ रेड फ्ली बोला जाता है तो ये याद रखना आपने नेक्स्ट हमारे पास आता डिजीज। तो डिजीज कुन -कुन है वायरल डिजीज़ तो वायरल डिजीज़ कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा कॉमन कोल्ड आगे वायरल डिजीज़ इसका पैथोजन है राइनोवायरस ग्रुप ऑफ वायरस ठीक है मोस्ट इन्फेक्शियस है ड्रॉपलेट की फॉर्म में बट नॉट द लंग्स ठीक है ये कॉमन कोल्ड जो होता है इनफैक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पास नॉट द लंग्स नेजल कंजेशन हो सकती है है ना नेजल कंजेशंस एंड डिस्चार्ज सोर थ्रॉट्स ठीक है हॉर्सनेस कफ हेड एक एंड टायर्डनेस ठीक है ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं और आपको कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज़ है ये पता होना चाहिए और इसका डिजीज काजिंग एजेंट्स पता होना चाहिए हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसमें ये क्या करता है हेपेटाइटिस भी सीवियर लीवर डैमेज या ज्वाइंट हो सकता है रिकम्बिनेशन ऑफ डी एन ए वैक्सीन्स ठीक है ट्रांसमिट थ्रू पेरेंटल्स एंड सेक्सुअल रूट्स कैन क्रॉस प्लेजेंटा पोलियो पोलियो वायरस पैथोजेंस क्या पोलियो का पोलियो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन फीवर पेन इन द बॉडी लिम्स मसल्स हेलिमेंथिक डिजीज़ कौन सी होती है एसकेरेसिस पैथोजेंस क्या है कॉमन राउंड वॉर्म या एसकेरेसिस लुम्ब्रिकॉइड्स भी बोल सकते हो ठीक है और इसमें आपने देखना है कि कैसे इन्फेक्शन आकर्स बाई टेकिंग कंटमनेटेड वाटर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ठीक है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स से ही एलिफेंटास मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी भी नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ था टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में एलिफेंटासिस फ्लैरसिस डिजीज़ भी बोल सकते हैं इसको हम लोग ठीक है और डिजीज़ काजिंग एजेंट क्या है वेचेरिया डब्ल्यू बनक्रॉफ्टी या फ्लेरियल वाम्स भी बोल सकते हैं ये सारे इसके सिम्टम्स एंड पैथजेनिस्टी आपको याद होनी चाहिए एलिफेंटेसिस डिजीज़ में कुछ ऐसी शेप हो जाती है लोअर बॉडी में ठीक है और इसमें आपके एन सी आर टी की डाइग्राम्स है ये की है ना इसमें क्या हो जाता है लोअर बॉडी पार्ट्स में ऐसे स्वेलिंग हो जाती है अब हम लोग देखते हैं फंगल डिजीज फंगल डिजीज रिंग वॉर्म है एनसीआरटी के डायग्राम्स हैं और माइक्रोस्पोरम ट्राइको फाइटॉन्स एंड एपीडरमोफाइटॉन्स ये तीन माइसीलियम्स हैं डिजीज काजिंग पैथोजेंस जो रिंग वॉर्म काज करते हैं ठीक है सिम्टम्स एंड पैथोजेंसटी आप लोग देख लेना वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज पेरेंट्स ऑफ ड्राई स्केली लेजें वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन नेल्स एंड स्कल्प जनरली एक्वाइर्ड फ्राम सॉयल्स बाई यूजिंग टॉल क्लॉथ एंड और कम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स ठीक है बच्चे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोटोजोन डिजीज है जिसमें मलेरिया आएगा तो हम लोग मलेरियल साइकिल भी हमने पढ़ना है प्लाजमोडियम साइकिल लाइफ साइकिल देखना हमने तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे